नमस्कार, मैं हूं मनीष तिवारी और आप देख रहे हैं श्री नारद मीडिया। आज हमारी टीम उपस्थित है जीरा देवी प्रखंड के खेपहा बाजार में और यहां पे एक जन वितरण प्रणाली की दुकान पे हम उपस्थित हैं। और आइए जानते हैं यहां पे जो डीलर हैं उनसे कि यहां पे क्या कुछ वितरित किया जा रहा है, यहां पे क्या क्या चीजों का वितरण अभी हो रहा है। गेहूँ और चावल का वितरण हो रहा है। और कितने कितने मात्रा में? 5 किलो प्रति व्यक्ति की मात्रा। अच्छा, मतलब जैसे 2 यूनिट है तो उनको 10 किलो दिया है। फ्री में भी उतना ही मिलेगा और जितना जितना पहले से मिलता था वो भी मिलेगा? जी, जो पहले से मिलता था वो भी मिल रहा है और फ्री में मिल रहा है। और उसकी क्या कीमत लग रही है? फ्री में तो 1 पैसा भी नहीं लग रहा है। और जो रेगुलर चलता है वो रेगुलर का 2 रुपया और 3 रुपये के हिसाब से वितरण होता है। 2 रुपये मतलब गेहूँ और 3 रुपये चावल। जैसे मान लीजिए किसी का नाम अगर आधार कार्ड नहीं है किसी के पास और उसका नाम अगर राशन कार्ड में है तो उसको राशन मिलेगा? उसका आधार कार्ड मिलेगा, उसको भी मिलेगा जी। आप ये बताइए कि जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उनके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? सर, ऐसा है कि ऊपर से कोई दिशा निर्देश नहीं है जी। जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उनको देने के लिए जी। लेकिन विशेष परिस्थिति में अगर हम देखते हैं कि उसको भुखमरी की स्थिति में है, जरूरतमंद है तो हम ऊपर से निर्देश ले करके भी चाहे अपने से भी उसको हम लोग कुछ व्यवस्था कर देते हैं जिससे उसका जो है भुखमरी से जो बचे जी उसका पालन पोषण हो रहा है। गेहूँ अच्छा। कितने कितने मात्रा में मिल रहा? 5-5 किलो उनको, मतलब प्रति यूनिट 5 किलो मिल रहा है। और कितना पैसा लिया जा रहा है उनसे? 2 रुपया गेहूँ और 3 रुपया चावल। अच्छा, धन्यवाद सर। आप ये बताइए कि यहाँ पे अभी जन वितरण प्रणाली के अंतर्गत किस किस चीजों का वितरण किया जा रहा है? चावल और गेहूँ, एक फ्री है और एक पैसा वाला है। अच्छा, यूनिट के हिसाब से मिल रहा है कि प्रत्येक राशन के कार्ड के हिसाब से मिल रहा है? 1 यूनिट पर 5 किलो। अच्छा, फ्री वाला। अच्छा, वो भी 5 किलो। अच्छा, मतलब जो रेगुलर आता था वो भी? जी जी। और क्या रेट लग रहा है उसका? 2 और 3। 2 और 3, मतलब 2 रुपये गेहूँ है और 3 रुपये चावल जी। अच्छा, ये बात बताइए जिनका राशन कार्ड नहीं बन पाया है और जो जरूरतमंद है उनके लिए आप लोग क्या करें? जी, हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे, मुखिया जी जो हमारे गाँव के वार्ड है वो उन लोग का नाम लिख करके मुखिया जी से दे रहे हैं। अच्छा, यानी कि पासबुक का अकाउंट नंबर का जो फर्स्ट पेज है और आधार कार्ड का। तो क्या बताया गया उससे क्या होगा? वो मुखिया जी वो अपने स्तर पर बंटवाएंगे, पंचायत भवन पर बंटवाएं चाहे आपको ब्लॉक पर बंटवाएं। अच्छा, मतलब मुखिया जी का ऐसा नहीं दे जी। ठीक है, आप लोगों के द्वारा भी इस तरह कोई अभी काम नहीं किया जा? नहीं, हमारे तरफ से ऐसा कोई बात नहीं है। और एक बात कहा जा रहा है कि जब वितरण किया जाए तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है, इसके बारे में आपको क्या कहना है? सोशल डिस्टेंसिंग मतलब दूर दूर के लोगों को खड़ा करके आपके यहाँ राशन बट रहा है कि नहीं बट रहा है? नहीं, एकदम दूर पर डिस्टेंस लगा के कर रहे हैं। दूर दूर बहुत धन्यवाद। कहीं आपने घेरा वगैरह ऐसे कुछ बनाया? घेरा लगाए थे। अच्छा, लेकिन लोग पैर से कचरा दिया है, थोड़ा ये हो गया है। की जो दुकान है उसके अंतर्गत क्या क्या चीजों का वितरण हो रहा है? चावल और क्या रेट लग रहा है? 2 रुपया 3 रुपया चावल का रेट रोल लग रहा है। अच्छा, 5 किलो फ्री मिलता है। अच्छा, प्रत्येक यूनिट पर प्रत्येक यूनिट। अच्छा, मान लीजिए किसी का अगर राशन कार्ड में नाम हो जी और आधार कार्ड उसके पास नहीं हो तो उसको राशन मिलेगा? मिलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं? ना, कोई दिक्कत नहीं, अपने हाथ रहे अपने इनसे देते हैं जी जी। और मान लीजिए कि कोई ज़रूरतमंद व्यक्ति हो, असहाय हो, गरीब हो, लाचार हो और उसके पास राशन कार्ड नहीं हो तो उसके लिए आप लोग कुछ व्यवस्था किए हैं? सरकारें हम लोग को नहीं दिया है तो हम लोग क्या करेंगे? मानवता के हिसाब से क्या आप जो लोग इस समय महामारी चल रहा है स्थिति खराब है 5 किलो 10 किलो दिया जाएगा? अच्छा, मतलब मानवता के नाते समाज सेवा के हिसाब से आप दिया जाएगा 5-10 किलो? एकदम गरीब है जी जी, असहाय है, उसको कमाने वाला नहीं है। वही चीज हम पूछ रहे हैं। वही, धन्यवाद। हो रहा है जी गेहूँ और चावल। अच्छा, कितने किलो गेहूँ और कितने किलो चावल? गेहूँ 2 किलो। अच्छा, और चावल 3 किलो। अच्छा, और मुफ्त का जो है हम, अच्छा, 5 केजी। 5 केजी, तो मतलब प्रति व्यक्ति जितने व्यक्ति का नाम है उतने लोगों को 5 किलो के हिसाब से मिल रहा है जी। अच्छा, और दाल वाल की भी कुछ बात हो रही है? नहीं, दाल की अभी कोई? अच्छा, दाल नहीं मिल रहा। अच्छा,
और मान लीजिए जिनका राशन कार्ड नहीं है उनके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? जी जिनका राशन कार्ड नहीं है ऐसे भी कोई आ जा रहा है तो उन लोगों को 5 किलो या 10 किलो हम दे करके सहायता कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, मतलब अपना मानवता के नाते आप उनकी मदद कर रहे हैं। जी ऐसा ऊपर से कोई आदेश अभी नहीं आया? नहीं ऐसा कोई आदेश नहीं। अच्छा, तो अभी तक कितने लोगों को आप राशन बांट चुके हैं? जी अभी हम तो 20 कस्टमर को दिए हैं। अच्छा, और भीड़ नहीं लगा रहे हैं। अच्छा अच्छा, और हर रोज 20। अच्छा, अभी कितने दिन हो गया बांटते हुए? अभी हम आज से ही शुरू किए। आज से ही शुरू किए? मेरा कल आया राशन। अच्छा, और आज से हम देना चाहते हैं। अच्छा अच्छा, क्या नाम पड़ेगा आपको? जी रंजीत कुमार। और किन के नाम से है आपका लाइसेंस? जी वो सर दीदी। अगर आप हिंदुस्तान टीवी के माध्यम से प्रचार कराना चाहते हैं तो शीघ्र ही संपर्क करें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।